कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र? अच्छे हैं ना आप सब? पहले दो वीडियो में हमने चित्र के संग संग में देखा कि टायर फटने से पहले कैसा वातावरण था, क्या क्या हो रहा था। फिर बाद में दूसरे चित्र में हमने देखा कि टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। बराबर है ना? बहुत मज़ा आया ना इस चित्र पाठ में। तो चलो अब इस इकाई की हम कसौटी देख लेते हैं। तो आपको ये कसौटी आपकी फेयर बुक में लिखनी है। तो ये कसौटी आपके सामने है। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, टायर फटने से पहले क्या क्या हो रहा था, आपको पता है, उसका उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, वो भी हमने चर्चा की थी, वो भी आपको पता है, वो आपको यहाँ लिखना है। तीसरा प्रश्न है, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा, वो भी आपको पता है कि टायर जब पड़ा तब किन किन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। बराबर है ना? तो इसका उत्तर भी लिखना है। चौथा प्रश्न है, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। मैंने आपको चीज़ों के नाम बताए थे कि टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम क्या है। प्रश्न नंबर दो है, शब्दों को सही तरह से जोड़िए। तो आप देख सकते हैं कि कुजड़िन, तो उस ए में कुजड़िन, साइकिल वाला, गुब्बारे वाला, मोची, ऐसे चार शब्द दिए गए हैं। बी में उसके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही ऑप्शन है उसके सामने आपको उसका सही जवाब लिखना है। रेखाएं नहीं खींचनी है बच्चों, याद रखना। कुजड़िन के सामने टोकरी आएगी तो टोकरी लिखना है, लिखना है, रेखाएं नहीं खींचनी है। उस प्रकार साइकिल वाला है, उस प्रकार गुब्बारे वाला है, मोची है। बराबर है? प्रश्न नंबर तीन है, निम्नलिखित परिच्छेद का सुलेखन कीजिए। सुलेखन माने बच्चों अच्छे अक्षरों से लिखना। तो अच्छे अक्षर निकाल कर, सुंदर अक्षर निकाल कर ये पूरा परिच्छेद आपको लिखना है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर चार, चित्र को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो दोनों चित्र दिए गए हैं उन दोनों चित्र में क्या क्या अंतर है। अंतर माने भेद, अलग अलग छे बनने में, उसे अंतर कहा जाता है। दोनों में क्या क्या अंतर है ये भी आपको अपनी नोट में चित्र नहीं दौड़ना है परंतु नीचे लिख लेना है कि इतने इतने दोनों चित्र में भेद है। तो बच्चों चलो हो जाओ तैयार कसौटी देने के लिए। बराबर है? कसौटी लिखने के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित।